आप सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के खैरा गांव में दबंगों ने दलित युवक पर कुल्हाड़ी से किया वार। पुलिस का कहना है कि शराब पीने के बाद दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। झांसी के मोड़ तहसील प्रांगण में एक खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। झांसी के मोड़ में नेशनल हाईवे पर पलटी डीसीएम, बाल बाल बचे लोग। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात कारणों के चलते महिला ने जीवन समाप्त करने का किया प्रयास, परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल। नेशनल हाईवे 27 पर अमरा बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन ने व्यक्ति में मारी जोरदार टक्कर, युवक की हुई मौत। ललितपुर में निकाय चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन पुलिस की दिखी कड़ी सुरक्षा, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। झांसी में बढ़ रहे कोरोना के मामले, लगातार बढ़ते हुए मामले को देख स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। कानपुर में पुष्पा मूवी स्टाइल में शराब की होती थी तस्करी, तरबूज के नीचे छुपाकर शराब की पेटियों को चंडीगढ़ से बिहार भेजा जाता था। थाना कोतवाली पहुंच के ग्राम अंडा निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र अशोक कुमार जो कानपुर जा रहे थे, एक बैग लिए होते जिसमें 2,10,000 रुपए थे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बैग खोजकर पीड़ित को लौटाया तो खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। बदायूं में जिला अधिकारी मनोज कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा नगर निकाय चुनाव आचार संहिता को देखते हुए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर किया गया निरीक्षण। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज चैनल। खबर आपके लिए। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।